नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड, इसका जो राइट इशू आ चुका है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, ये लॉजिस्टिक सर्विसेज में ये कंपनी है जो कि एयर ट्रांसपोर्टेशन और साथ में सरफेस ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये कुरियर सर्विसेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो मल्टीपल मॉडल है इनका जो है सर्विस प्रोवाइडिंग का। उसके साथ साथ जो है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हैज बीन सर्टिफाइड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन, जी हाँ, IATA के द्वारा जो है ये सर्टिफाइड है। इसके साथ साथ ये मेंबर है ग्लोबल लॉजिस्टिक नेटवर्क का, जी हाँ। इसके बाद आपको बता दूं तो पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द पायोनियर ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया, और ये जो है बहुत सारी जो लॉजिस्टिक की सर्विसेज हैं वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एयर एयर ट्रांसपोर्टेशन, साथ साथ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन और वेयर कोरियर सर्विस और वेयर हाउसिंग, इस तरह से जो है मल्टीपल सर्विसेज जो है एक ही छत के नीचे कस्टमर्स को मिल जाती है। अब राइट इशू के बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। तो रिकॉर्ड डेट थी वो थी 18 फरवरी, यानी कि 18 फरवरी तक जिनके पास भी इसके शेयर रहे होंगे DP में, उन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे। और जो इशू ओपन हो रहा है वो 26 फरवरी 2021, यानी कि 26 तारीख को ये इशू ओपन हो चुका है, और इशू क्लोज होगा 12 मार्च 2021 को। इशू का साइज जो है, अगर शेयर्स में आपको बताऊं तो 0.95 करोड़, यानी कि 95 लाख शेयर्स का ये जो है शेयर टोटल इशू है। साइज अमाउंट वाइज देखें तो 9.5 करोड़ का ये इशू है। इशू का जो प्राइस रखा गया है वो 10 रुपए पर राइट शेयर है, यानी कि आपको जो राइट शेयर के लिए एप्लीकेशन के टाइम पैसा देना है वो 10 रुपए का देना है। फेस वैल्यू भी 10 रुपए है। टर्म ऑफ पेमेंट कैसी रहेगी, तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो आपको फुल अमाउंट ऑफ 10 रुपीज जो कि राइट इशू का प्राइस है वो आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही देना है। एंटाइटलमेंट किस तरह से मिलेगा, तो हर 47 शेयर अगर आपके पास हैं तो उसके बदले आपको 27 शेयर्स मिलेंगे, जी हाँ, 27 शेयर हर फुली पेड अप 47 शेयर्स के बदले आपको दिए जाएंगे अगर आप रिकॉर्ड डेट तक उन्हें होल्ड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण डेट जो आपको याद रखनी है वो ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन की याद रखनी है, स्पेशली जब राइट एंटाइटलमेंट जो कि इसके ऑलरेडी इशू ओपन होने की तारीख 26 तारीख की, तब से ये ट्रेड होने लगे हैं। तो जैसे ही इशू ओपन होता है तभी से जो है राइट एंटाइटलमेंट ट्रेड होने लगते हैं, और ये इसकी जो ऑन मार्केट रिनाउंसिएशन की लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2021 की है, यानी कि 8 मार्च तक ही आप जो है मार्केट पे इसे ऑनलाइन इसे सेल कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अगर कोई इसे ट्रेडिंग पर्पज से लेना चाहता है तो ध्यान रखिए कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, आपको डिलीवरी मस्ट है इसमें, और T+2 डेज का टाइम लगता है सेटलमेंट के लिए। तो जिन्होंने भी लगभग 3 तारीख तक इसे खरीद लेंगे तो उन्हें 4-5 तारीख तक डिलीवरी मिल जाएगी। 6-7 सैटरडे संडे है और 8 तारीख को एक मौका मिल जाएगा कि वो सेल करके निकल सकते हैं, और 4 या 5 और 8 को जो भी लेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा कि दोबारा वो सेल कर पाए, क्योंकि 8 तारीख तक तो उन्हें डिलीवरी ही मिलेगी। अब यहाँ पे फाइनलाइजेशन जो अलॉटमेंट का है वो 23 मार्च तक हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि आपको अलॉट कर दिए जाएंगे 23 मार्च को ही, क्रेडिट भी आपके अकाउंट में होंगे, ये 24 मार्च तक पूरी तरह से ये क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाता है या क्रेडिट हो जाता है तब आपके कंसोल में तो ये दिखते हैं बट पोर्टफोलियो में नहीं आ पाते हैं। तो लिस्टिंग जिस डेट पे होती है तब आपको डेफिनेटली ये जो है पोर्टफोलियो में दिखेंगे। तो लिस्टिंग की डेट है 26 मार्च 2021 की जो है टेंटेटिव अभी रखी गई है। इस इशू के जो रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रजिस्ट्रार है इस इशू का। अब थोड़ा हम राइट एंटरटेनमेंट की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मुख्य डेट आपको याद रखनी है वो 8 मार्च 2021 की याद रखनी है, कि राइट एंटरटेनमेंट की ट्रेडिंग जो है वो सिर्फ 8 मार्च तक की है, और ये पटेल इंटीग्रेटेड RE के नाम से ये ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप BSE/BBV से देख सकते हैं तो 8 मार्च तक ही ये रहेंगे, और इशू क्लोज होने के बाद जो है राइट एंटरटेनमेंट लैप्स हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताऊँ तो पटेल इंटीग्रेटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 24 रुपए 70 पैसे का है, और आरिस का जो करंट राइट एंटाइटलमेंट का करंट मार्केट प्राइस 70 रुपए 30 पैसे का चल रहा है BSE पर।
यानी कि अगर हम देखें तो 70 रुपये में जो 10 रुपये, क्योंकि 70 रुपये 30 पैसे ये प्रीमियम आपका कहला जाएगा, इसमें आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 10 रुपये जो कि राइट इशू का प्राइस है वो भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो टोटल कॉस्ट आपकी 27-30 के करीब पड़ेगी, जो कि बहुत ऊंची जा रही है इवन करेंट मार्केट प्राइस के भी, जो कि पटेल इंटीग्रेटेड का ऑलरेडी चल रहा है 24 रुपये 70 पैसे के भाव में। तो अगर हम इसकी अभी फेयर वैल्यू देखें तो 24 रुपये 70 पैसे में से हम अगर 10 रुपये निकाल देते हैं तो 14 रुपये 70 पैसे इसकी फेयर वैल्यू आती है, यानी कि अगर राइट एंटाइटलमेंट 14 रुपये 70 पैसे या उससे कम में मिल रहे हैं तब तो हमें जो है ये लेने से फायदा है। इसी तरह से जो है आप इसके जो है फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। और आरईएस की जो लिस्टिंग हुई थी वो 14 रुपए 25 पैसे पे, सॉरी 14 रुपए 85 पैसे पे हुई थी, और ये फेयर वैल्यू कैसे निकली थी, क्योंकि जो जिस दिन आरईएस लिस्ट हुए थे उसके एक दिन पहले जो है शेयर का करंट मार्केट प्राइस 24 रुपए 85 पैसे था, उसमें से 10 रुपए अगर हम माइनस कर दें जो कि एप्लीकेशन का कॉस्ट है तो 14 रुपए 85 पैसे इसकी फेयर वैल्यू आ जाती है। आज का जो ओपन प्राइस था वो 20 रुपए 75 पैसे था, यानी 26 तारीख का जो ओपन प्राइस है 20.75, तो इस रेट पे भी अगर हम देखें तो 10 रुपए एप्लीकेशन कॉस्ट लगा दें तो 30 रुपए 75 पैसे के लगभग कॉस्ट चली जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस ही 24 रुपए 70 पैसे चल रहा है। तो बेटर है कि आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फुली पेड अप शेयर जो ऑलरेडी लिस्टेड है उन पे। तो ये थी जानकारी दोस्तों जो राइट इशू आया है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक का। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।